हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। तो रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने अपना न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट करने प्रोवाइड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा बैंक ऑफ इंडिया का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट में और बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू रेट्स, तो चलिए देख लेते हैं। और हम लोग आ चुके हैं रुपए टर्म डिपॉजिट का वेब पेज में बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक और एनआरओ, सीनियर सिटीजन, एडिशनल रेट और पेनल्टी डिटेल्स। ठीक है, बैंक हैज रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक एनआरओ डिपॉजिट एज फॉलोस। कॉलेबल मतलब इमरजेंसी के वक्त आप लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मैच्योरिटी फॉर डिपॉजिट ऑफ लेस देन 3 CR एंड अबव, फॉर डिपॉजिट ऑफ लेस देन 3 CR रिवाइज्ड विद इफेक्टिव फ्रॉम 29 सितंबर 2024 से इफेक्टिव है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये 3 करोड़ अबव के लिए है जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, लेस देन 3 करोड़ के बारे में अगर आप लोग देखना चाहो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 7 से 14 डेज 3% और ये कंटिन्यू टिल 45 डेज तक, 46 से 90 डेज 4.50 और ये कंटिन्यू हो रहा टिल 179 डेज तक, 180 से 210 डेज 6% और ये कंटिन्यू हो रहा टिल लेस देन 1 ईयर तक, 1 ईयर का जो है 6.80, अबव 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर एक्सेप्ट 400 डेज 6.80, 400 डेज का जो है 7.30, 2 ईयर्स का 6.80, अबव 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर 6.75, 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर 6.50, 5 ईयर टू लेस देन 8 ईयर 6%, 8 ईयर एंड अबव टू 10 ईयर 6%। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो रेट था ये नॉर्मल सीजन का इंटरेस्ट रेट था, जो कि आप लोग को हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है 400 डेज की में, दैट इज 7.30। ठीक है, और अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन 1 ईयर के अबव कर सकते हो, 6.80 आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर के बीच, दैट इज 6.50। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया गया है 333 डेज के लिए जो टेन्योर था ऑफ लेस देन 3 CR के लिए, ठीक है, के अंडर में वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है फ्रॉम 27/9/2024 को। ठीक है, तो ये था एक नोटिस। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन का रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 मंथ एंड अबव के लिए जो है एडिशनल रेट जो है सीनियर सिटीजन और स्टाफ, एक्स स्टाफ और एक्स स्टाफ सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, और 0.50% एडिशनल मिलने वाला है फॉर जनरल पब्लिक और 0.50% एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन केस में। ठीक है, फॉर डिपॉजिट ऑफ 10,000 और 3 ईयर्स एंड अबव जो है एडिशनल आरओए मिलेगा 0.75 अगर आप लोग 3 ईयर्स के अबव करते होते एफडी। ठीक है, और 1.50 एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर स्टाफ, एक्स स्टाफ सीनियर सिटीजन, स्पाउस इन केस ऑफ डिस स्टाफ, एक्स स्टाफ। ठीक है, ये केस में मिलेगा बिलो ₹3 करोड़ के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैच्योरिटी फॉर डिपॉजिट ऑफ लेस देन 3 CR रिवाइज्ड विद इफेक्टिव फॉर सीनियर सिटीजन 27/9/2024 से इफेक्टिव है, सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 60 ईयर्स और सुपर सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 80 ईयर्स। ठीक है, 7 से 14 डेज 3% दोनों कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं है और ये कंटिन्यू हर टिल 45 डेज तक, 46 से 90 डेज 4.50 दोनों कैटेगरी में सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, 180 से 210 डेज 6.50 और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.65 और ये कंटिन्यू हर टिल लेस देन 1 ईयर तक और 1 ईयर का जो है 7.30 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.45, अबव 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर एक्सेप्ट 400 डेज का जो है 7.30 और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.45 और 400 डेज स्कीम में 7.80 सीनियर सिटीजन में और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.95 और 2 ईयर में 7.30 और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.45, अबव 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर 7.25 और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.40 और ये कंटिन्यू टिल 5 ईयर तक, 5 ईयर टू लेस देन 8 ईयर 6.75 फॉर सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.90 और ये कंटिन्यू टिल 10 ईयर तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वह 400 डेज स्कीम में, दैट इज 7.80 फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.95। ठीक है, और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर के बीच कर सकते हो, 7.25 और 7.40 मिल जाएगा। और अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो 1 ईयर में कर सकते हो, दैट इज 7.30 और 7.45 मिल जाएगा फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये था बैंक ऑफ इंडिया का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 27 सितंबर 2024 से। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।